मूवी के स्टार्ट में हमें एक रिसर्च सेंटर दिखाया जाता है और वहीं पर एक लड़की भी होती है जिसका नाम एलिजाबेथ होता है और उसका इस रिसर्च सेंटर में फर्स्ट डे था और वो बाहर प्रोफेशन एक नर्स थी। और अब एलिजाबेथ को वहां पर डॉक्टर वेस्ट से मिलवाया जाता है। डॉक्टर वेस्ट एलिजाबेथ को पूरा रिसर्च सेंटर दिखाते हैं और उसको डॉक्टर वेस्ट बताते हैं हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट जो कि अभी अनकॉन्शियस है और वो अगले 24 घंटे में दोबारा से ज़िंदा हो जाएगा और तुम्हें उसका पूरे अच्छे तरीके से ख्याल रखना होगा और उसे हमेशा खुश रखना होगा। इसलिए अब एलिजाबेथ डॉक्टर वेस्ट की बातें मान जाती है और इसके बाद मूवी पास्ट में जाती है और ये साल है सन 2015 का। हम पास्ट में मार्क को देखते हैं जहाँ पर उसके डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसको कैंसर है और वो लास्ट थर्ड स्टेज पर है और उसके पास जीने के लिए सिर्फ एक साल है। ये सब सुन के मार्क बहुत ज़्यादा शॉक होता है। तभी हम मार्क को देखते हैं जो अपनी गाड़ी लिए आगे रोड पर खड़ा हुआ था। तभी वहीं पर उसकी एक फ्रेंड आती है जिसको उसकी कंडीशन के बारे में अभी अभी पता चला था और वो उससे गले लगकर कहती है कि वो उसके बगैर नहीं जी पाएगी और वो मार्क को अच्छा फील करवाने के लिए वो अपने सभी फ्रेंड के साथ उसको डिनर पे इनवाइट करती है। लेकिन मार्क का इन सब चीज़ों पे कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो उठता है और उठ के अपने रूम में टैबलेट लेने के लिए चले जाता है। अब मार्क वापस आता है और वापस आकर वो अपने दोस्तों को 7 साल पुराना एक आर्टिकल दिखाता है। वो दिखाता है कि कुछ साइंटिस्टों ने बायो आर्टिफिशियल हार्ट बनाया है और उस आर्टिकल में ये लिखा था कि अगला एक्सपेरिमेंट वो इंसानों पर करेंगे जिससे इंसानों के भी ऑर्गन बनाए जा सकते हैं। अब मार्क को मरना नहीं था, उसको और ज़्यादा ज़िंदा रहना था। और अब मार्क ये डिसाइड करता है कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर फ्रोजन स्लीपिंग में चला जाएगा यानी कि ट्रायो स्लीप में, और इसके बाद वो सीधा अपने फ्यूचर में उठेगा ताकि फ्यूचर के लोग उसके सेल को रीजनरेट कर दें, टेक्नोलॉजी की वजह से उसको दोबारा से एक बार फिर से ज़िंदा कर पाएंगे जो कि फ्यूचर में और भी ज़्यादा एडवांस हो गई होंगी। और वहीं पर दूसरी तरफ मियोमी मार्क के इस फैमिली से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो ये चाहती थी कि मार्क अपने डॉक्टर का ये ट्रीटमेंट चालू रखे। अब इस बात पर मार्क कहता है कि उसके फादर को भी कैंसर था और उन्होंने भी ट्रीटमेंट करवाया था लेकिन इसके बावजूद भी वो ज़िंदा नहीं रह पाए थे और मैं ये नहीं चाहता कि मैं भी उन्हीं की तरह मर जाऊँ। और इस बात पर उसका एक दोस्त बोलता है कि डॉक्टर तुम्हें मरने के बाद ही इस स्टेज पर लेकर जा पाएगा। इस बात के लिए भी मार्क ने आइडिया सोच रखा था। वो कहता है कि वो खुद को इसके लिए मार लेगा जिससे डॉक्टर को लीगल राइट मिल जाएगा उसकी बॉडी को ट्रांसप्लांटेड स्टेज पर डालने के लिए। और अब हमें फिर से फ्यूचर का दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर वेस्ट अपनी टेक्नोलॉजी से एक पूरे इंसान को वापस बना रहे थे। और इसके बाद कुछ देर बाद जो डॉक्टर वेस्ट ने अपनी टेक्नोलॉजी से एक इंसान को तैयार किया था उसकी हम आंखें खुलते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि मार्क था जिसे डॉक्टर ने उसकी पुरानी बॉडी में से सेल्स निकाल के रीजनरेट करके दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र किए थे उसको दोबारा से ज़िंदा करने के लिए। जैसे न्यू बॉर्न बेबी के पेट पर एक कॉर्ड लगी होती है वैसे ही अब मार्क के पेट पर भी एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह एक कॉर्ड लगी हुई थी जिससे मार्क को फूड सप्लाई दी जा सकती थी। और अगर ये पाइप मार्क के शरीर में से अलग हो गई तो वो कुछ ही घंटों के लिए ज़िंदा रह पाएगा। इसके बाद डॉक्टर्स मार्क को एक डिवाइस देते हैं ताकि मार्क की जो पुरानी ज़िंदगी थी उसको वो एक मेमोरी में स्टोर कर सकें जिसको डॉक्टर्स पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे क्योंकि मार्क एक ऐसा इंसान था जिसको मरने के बाद भी दोबारा से ज़िंदा किया है। और हमने मूवी की शुरुआत में नर्स एलिजाबेथ को देखा था जिसको अब मार्क की केयर 100 डेज तक करनी है और अब 100 दिन तक मार्क को एक कमरे में ही रहना था। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरने लगते हैं और मार्क की हालत और इम्प्रूव होती है मगर मार्क अकेला फील करके और ज़्यादा अकेला होने लगा था। अब उसको अपनी पिछली ज़िंदगी याद आने लगती है, मियोमी के साथ गुजारे हुई उसकी ज़िंदगी और अपने दोस्तों के साथ किए हुए मज़े और पार्टीज़। मार्क ने जो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रखा था कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी मगर ऐसा उसके फ्यूचर में कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट उसे चलने के लिए भी किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती थी। और अब इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजर जाते हैं और अब उसके 100 डेज कम्प्लीट हो जाते हैं। और इसी बात को सेलिब्रेट करने के लिए डॉक्टर वेस्ट अपनी पूरी टीम को मार्क के पास लाते हैं। मार्क को एक बॉक्स भी दिया जाता है जिसमें उसकी सभी चीज़ें रखी हुई थी
और उन सब चीज़ों को देख के मार्क को अपनी पुरानी ज़िंदगी याद आने लगी थी। यहाँ पर मियोमी का एक लेटर भी मिलता है, जो लेटर एलिजाबेथ को पढ़ने के लिए देता है। वो उसे पढ़कर बताती है, उसमें लिखा था कि मियोमी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन मार्क बेशक स्लीप में था, लेकिन मियोमी की हालत उसकी वजह से ख़राब हो जाती है। जब मियोमी भी 50 साल की हुई थी तो उसने भी ट्रायोजेनिक स्लीप में जाने का फैसला किया था, जिससे वो एक बार फिर मार्क के साथ अपनी पुरानी लाइफ स्टार्ट करना चाहती है। अब जब वो नियोमी का लेटर सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो सोचता है कि उसने कैसे ही अपने बारे में सोचा। और अब वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है और वो नियोमी के पोर्ट के पास जाता है, जहाँ पर उसकी बॉडी को रखा गया था। मार्क डॉक्टर से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो पहले की तरह मियोमी को जिंदा कर दे, जैसे उसको जिंदा किया गया था, मगर डॉक्टर ऐसा करने से मना कर देते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि जब उन्होंने मियोमी की बॉडी को ट्रायो स्लीप में डाला था तो उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी, इसीलिए वो अभी अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से उसे वापस से जिंदा नहीं कर पाएंगे। और अब ये सब सुनकर मार्क अपने आप को मियोमी की इस हालत का अपने खुद को ही जिम्मेदार समझ रहा था। अब वो और भी ज़्यादा उदास हो जाता है, जिसके कारण उसकी हालत और भी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाती है। अब वहीं पे सभी डॉक्टर्स मार्क के बदलते हुए रवैये को नोटिस कर रहे थे और इसी पे रिसर्च करते हैं। एलिजाबेथ डॉक्टर से कहती है कि उन्हें मार्क को रिसर्च सेंटर से बाहर भेज देना चाहिए, क्योंकि जब वो बाहर की दुनिया को देखेगा तो शायद वो मियोमी को भूल जाएगा। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें मार्क को थोड़ा सा टाइम देना होगा, जो कि वो मियोमी की यादों से खुद बाहर निकल जाए। मगर अब एलिजाबेथ भी मार्क से कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रही थी, उसको उसकी बहुत ज़्यादा केयर होने लगी थी। अब एक दिन डॉक्टर वेस्ट के बाहर जाने के बाद मार्क उनके रूम्स की चुराने लगता है, लेकिन उसके वहाँ पर जाकर डॉक्टर के माइंड रीडिंग डिवाइस मिलती है। लेकिन जब वो उस डिवाइस को पहन लेता है तो डॉक्टर वेस्ट के सारे लाइफ में किए गए एक्सपेरिमेंट्स दिखाई देने लगते हैं। हमें यहीं पर पता चलता है कि डॉक्टर वेस्ट ने पहले भी कई सारे लोगों पर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए हुए थे, लेकिन मगर डॉक्टर वेस्ट के सभी एक्सपेरिमेंट फेल हो गए थे। डॉक्टर वेस्ट ने लोगों को जिंदा तो किया था, लेकिन उन लोगों के शरीर के अंदर वीकनेस रह गई थी, जिसकी वजह से उन लोगों की डेथ होने लगी थी। मगर मार्क पे किया गया हुआ एक्सपेरिमेंट फेल नहीं हुआ था और उसको कुछ भी नहीं हुआ था। मार्क डॉक्टर से मिलने आता है और मार्क कहता है कि वो सभी लोगों की मौत के जिम्मेदार हैं जिन पर डॉक्टर वेस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए थे। डॉक्टर वेस्ट अपनी सभी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं। अब कुछ टाइम बाद मार्क दोबारा से मियोमी के स्लीपिंग पॉट की तरफ जाता है, जहाँ पर उसे जाता देख एलिजाबेथ भी आ जाती है। मार्क उसे अपनी पुरानी ज़िंदगी बताने लगता है कि कैसे उसने ट्रायो स्लीप के अंदर आने से पहले अपनी जान दे दी थी और जहर पी लिया था। और आगे वो बताता है कि उसने अपनी फ्यूचर लाइफ के बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था जैसी उसकी ये फ्यूचर लाइफ चल रही है। और अब उसको जैसी ज़िंदगी मिली है वो उसकी पुरानी ज़िंदगी जैसी नहीं है। और अब वो एलिजाबेथ से हेल्प मांगता है ताकि वो अपनी खुद की जान दे सके और वो स्पेन से बाहर निकल पाए, लेकिन एलिजाबेथ उसे रोते हुए मना करती है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं एलिजाबेथ भी मार्क से प्यार करने लगी थी। और अब जब मार्क अपने रूम में आता है तो एलिजाबेथ भी उसके पास आ जाती है और उससे गले लगकर उसके कान में उस मेडिसिन का नाम भी बता देती है, जिसको पीकर वो आराम से मर सके। और मार्क अब रिसर्च सेंटर जाता है और एलिजाबेथ की बताई हुई मेडिसिन को ढूंढने लगता है। और अब जब वो जहर पीने वाला होता है तो उसे अपनी लाइफ का फ्लैशबैक नज़र आने लगता है, जहाँ पर उसने पहले भी जहर पीकर अपनी जान दे दी थी। अब मार्क वो पोर्टल लेता है और दोबारा से मियोमी के स्लीपिंग पॉट की तरफ जाने लगता है और वो अपनी यादों को याद करते हुए उस मेडिसिन को पी लेता है और साथ ही मियोमी की पावर सप्लाई को भी काट देता है, ताकि वो इन फजूल के होने वाले एक्सपेरिमेंट्स का शिकार ना हो पाए। और अब वो उधर ही बैठकर अपने मरने का इंतज़ार करने लगता है। और इसके बाद हमें मूवी के लास्ट में सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मार्क की आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने सभी डॉक्टर्स को देखता है और डॉक्टर वेस्ट उसे बताता है कि उसे कैंसर से नहीं मरना था, बल्कि जहर पीकर ही मरना था अपनी दूसरी ज़िंदगी के लिए। डॉक्टर वेस्ट उसे कहता है कि अपनी दूसरी ज़िंदगी को बर्बाद मत करो, क्योंकि साइंस ने तुम्हें दूसरी बार जीने का मौका दिया है।
और तुम इस टास्क को ज़ाया नहीं कर सकते। और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है।